कायद मुस्लिम नून मियां नवाज शरीफ से रुकने सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा जमशेद खान मोमिन और के पी के से लीगी कारकुनों ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्की और के पी के की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल क्या क्या, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा इस हवाले से। जी, अरकान सूबाई असम्बली के खैबर पख्तूनख्वा ने आज यहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की थी, इसमें क्या तबादला ख्याल किया गया, इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। मसद मौजूद हैं जमशेद खान साहब जो कि मर्दान से केपीके से रुकन असम्बली, हम बात करेंगे। जमशेद साहब, बताइएगा आज आपकी मुस्लिम लीग नून के कायद से मुलाकात हुई, कैसी मुलाकात रही और क्या क्या लाहा अमल तय किया गया आइंदा के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हमारी मुलाकात बड़ी अच्छी थी, खुशगवार माहौल में हुई। मियाँ साहब के सेहत के बारे में मैंने पूछा, उनसे दरियाफ्त किया और माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। उनसे केपी के बारे में, सियासी उमूर के बारे में तफसीली गुफ्तगू हमारी हुई। इंशाल्लाह हम केपी में अपना जो तंजीमी ढांचा है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और उसको मतलब फाल करेंगे इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश है कि 2023 के इलेक्शन में हम खैबर पख्तूनख्वा से मतलब क्लीन स्वीप तो आप नहीं कह सकते, लेकिन हम भाई इंशाल्लाह भरी मैंडेट में हम सीट इंशाल्लाह ले सकते हैं। जी बिल्कुल, भरी मैंडेट में केपीके में कामयाबी हासिल करेंगे। हमारे साथ मर्दान के जो ज़िले प्रेसिडेंट हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, आपके आप भी मुलाकात में मौजूद थे, क्या करेंगे? बड़ी मेहरबानी, आप पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं आप लोगों का कि आपने हमारे मेहमान नवाजी की। तो बात यही पे, इसी चीज़ पर भी कि मजीद जो हमारे वहाँ पर जो ढांचा है, तंजीमी ढांचा है, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। और जो मार्च में जो सर्वे हमारे केपीके की हुई थी तो उसमें टॉप की लीडरशिप जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम था उसमें। अब इस वोट को जो लोगों के जज्बात है उस वो बैलेट बॉक्स तक कैसे पहुंचाया जाए, उसको कैसे पोल किया जाए और लोगों को एतमाद को कैसे बहाल किया जाए, तो इस पे बात हुई। और इंशाल्लाह मियां साहब ने, चूँकि आज रश है, तो मियां साहब ने कहा कि मैं आपको 2-3 दिन में बुलाऊँगा और इस पर बैठ के तफसीली बात करेंगे। और आपके सूबे पे केपी में जो है हमने पार्टी को मजबूत बनाना है, उसका उसमें आपका साथ चाहिए। हमने उसको बता दिया जी कि हम तो हैं, आपसे हैं और इंशाल्लाह बहुत सारे लोग केपी में आ रहे हैं, लेकिन आज की सरपरस्ती की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, सरपरस्ती की ज़रूरत है। केपी से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के तंजीमी अहदेदारों की मुलाकात आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से हुई। उनका कहना था कि केपी के अंदर भी मुस्लिम लीग नून को मजीद मजबूत करने के लिए। वसीम अहमद।